अब एक तो हम जनरल इंटरेक्शन की बात करते हैं कि जनरल इनहेरिटेंस। हमने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें जस्ट इनहेरिटेंस की बात की। एक पेरेंट क्लास थी, पेरेंट क्लास, और सेकंड इज चाइल्ड क्लास। इज इट ओके? यही कंसेप्ट था बेटा। एक हमने पेरेंट क्लास की बात की थी, एक चाइल्ड क्लास की बात की थी, और इसकी इंटरकनेक्टिविटी की बात की। इसमें हम कुछ मेंबर फंक्शंस लिए, मेंबर फंक्शंस, इसमें भी हमने कुछ मेंबर फंक्शंस लिए। और चाइल्ड क्लास हमने ये स्टडी किया था कि चाइल्ड क्लास कैन असेस द मेंबर्स ऑफ पेरेंट क्लास, और पेरेंट क्लास सिर्फ अपने मेंबर्स को असेस कर सकता है, चाइल्ड क्लास दोनों के मेंबर्स को असेस कर सकता है। इज इट ओके? हाँ, इसके बाद हमने थ्री कैटेगरीज की बात, थोड़ा आइडिया दिया था मैंने। थ्री कैटेगरीज ऑफ इनहेरिटेंस जो ब्रॉडर कैटेगरीज हैं उसकी मैं बात करूं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? फर्स्ट वन इज पब्लिक इनहेरिटेंस, सेकंड वन इज प्राइवेट इनहेरिटेंस, एंड थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। इज इट ओके? लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था बेटा, याद है किसी को? लास्ट टाइम हमने क्या स्टडी किया था? लास्ट टाइम हमने पब्लिक इनहेरिटेंस की बात की थी। पब्लिक इनहेरिटेंस, दिस वन इज पेंडिंग, प्राइवेट इनहेरिटेंस एंड प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस। अब अगर मैं पब्लिक की बात करूं, पब्लिक इनहेरिटेंस, सपोज मैंने एक पेरेंट क्लास बनाई, पेरेंट क्लास, उसके बाद एक चाइल्ड क्लास बनाई। इज इट ओके? Am I audible to all of you? यस सर Okay. एक मैंने पेरेंट क्लास बनाई, एक चाइल्ड क्लास, और पेरेंट क्लास के इनसाइड मैंने पब्लिक में वेरिएबल्स ले लिए। कुछ वेरिएबल्स, एक वेरिएबल लिया वेरिएबल इंट एक्स, ऐसा एक वेरिएबल ले लिया। उसके बाद चाइल्ड क्लास के इनसाइड इस वेरिएबल को असेस किया, असेसिंग एक्स, इट्स ओके, वी कैन असेस वेरिएबल एक्स। हम इस वेरिएबल को असेस कर सकते हैं बेटा, बिकॉज मैंने यहां पे पब्लिक लिखा है। अब मैंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया। अब मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूं, प्राइवेट के इनसाइड मैंने क्या किया, सेम क्लास बनाई, पेरेंट क्लास, उसके बाद मैंने चाइल्ड क्लास बनाई, पेरेंट क्लास के इनसाइड मैंने प्राइवेट के इनसाइड एक वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल एक्स, इंटीजर इसका डेटा टाइप ले लिया। इज इट ओके? उसके बाद चाइल्ड क्लास में आई एम ट्राइंग टू असेस वेरिएबल, असेस वेरिएबल एक्स। अब इस वेरिएबल को आप चाइल्ड क्लास में असेस नहीं कर सकते बिकॉज मैंने यहां पे प्राइवेट डिक्लेयर करवा दिया। अब इसको हम ट्राई करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। इज इट ओके?
इज इट ओके? यस सर. पता चल गया बेटा क्या बोल रहा हूँ. सिमिलर इज द केस विद प्रोटेक्टेड. अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें, अब प्रोटेक्टेड के इनसाइड ये काम करेगा या नहीं करेगा. पेरेंट क्लास बना ली सेम कैटेगरी, पेरेंट, उसके बाद यहां पे चाइल्ड, यहां पे प्रोटेक्टेड के इनसाइड एक वेरिएबल ले लिया एक्स. वेदर आई कैन असेस एक्स और नॉट. अब ये क्वेश्चन मार्क है, क्या मैं इसको असेस कर सकता हूं या नहीं कर सकता. अब विदाउट द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग वी कांट एक्सप्लेन. अब बेसिकली हुआ क्या, यहां पे क्या बन गया कि थ्री टाइप की हमारे पास इनहेरिटेंस आ गई. प्राइवेट हो गई, एक प्राइवेट, एक पब्लिक का कंटेंट हो गया, एक प्रोटेक्टेड का हो गया. और प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड के इनसाइड मैंने यहां पे कर दिया प्राइवेट. अब ये काम आप करोगे जो मैं यहां पे बोलने लगा हूं, पब्लिक और प्रोटेक्टेड. ये मैं बात कर रहा हूं इनहेरिटेंस की, ये मैं बात कर रहा हूं वेरिएबल्स की. इज इट ओके? पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर. यहां पे मैं इनहेरिटेंस की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं. अब मैंने इनहेरिटेंस भी प्राइवेट ले ली और वेरिएबल भी प्राइवेट लिया, क्या मैं इसको असेस कर सकता हूं? यहां पे आपने टिक लगाना है या फिर क्रॉस लगाना है. सिमिलर इज द केस हेयर एंड हेयर. एंड यहां पे नाइन कंटेंट्स आ गए. इज इट ओके? अब अगर मैंने इनहेरिटेंस प्राइवेट ली और वेरिएबल भी प्राइवेट लिया तो क्या मैं असेस कर सकता हूं या नहीं? आपने या तो टिक लगाना है या क्रॉस लगाना है. इज इट ओके? यस सर. अब प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट क्या है वो भी बता देता हूं. यहां पे हमने पेरेंट क्लास की बात की थी, पेरेंट क्लास, यहां पे हमने चाइल्ड क्लास की बात की. जैसे ही मैं पेरेंट क्लास की बात करता हूं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा, क्लास ए. इज इट ओके? यहां पे हम मेंशन करेंगे क्लास बी कॉलन प्राइवेट ए. इज इट ओके? पता चल गया क्या लिखा है मैंने? पेरेंट क्लास मैंने ले ली क्लास ए, उसके बाद चाइल्ड क्लास मैंने ले ली क्लास बी, उसके बाद कॉलन, उसके बाद प्राइवेट ए. ये बन गई हमारी प्राइवेट इनहेरिटेंस. प्राइवेट इनहेरिटेंस. इज इट ओके? यस सर. और इसके इनसाइड मैंने यहां पे क्या किया, क्लास की स्ट्रक्चर बना ली, क्लास की बॉडी. यहां पे ओपन हुआ, यहां पे क्लोज हो गया. यहां पे मैंने क्या किया, पब्लिक, पब्लिक, इसके इनसाइड मैंने लिख दिया इंट एक्स. इज इट ओके? अब इसका मीनिंग क्या हुआ, प्राइवेट इनहेरिटेंस है बट जो वेरिएबल है, वेरिएबल वो पब्लिक कैटेगरी का. इज इट ओके? पता चल गया बेटा? जी सर. प्राइवेट, प्राइवेट इनहेरिटेंस और वेरिएबल जो है वो पब्लिक कैटेगरी का है. अब यहां पे कहां पे आएगा ये, इनहेरिटेंस तो हो गई प्राइवेट, वेरिएबल हो गया पब्लिक, यहां पे आएगा ये. इज इट ओके? अगर ये वेरिएबल असेस हो गया तो आपने क्या करना है, यहां पे टिक लगा देना है, यहां पे टिक लगा देना. अगर ये वेरिएबल असेस नहीं हुआ तो यहां पे क्रॉस लगा देना. पता चल गया बेटा? पता चल गया क्या बोल रहा हूं मैं? ओके.
अब हम प्रैक्टिकली एक कंटेंट करके देखते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये जो टेबल मैंने बनाया है इस टेबल को कंप्लीट कैसे करना है। ये आप ये मान के चलो कि ये एक ट्यूटोरियल शीट हो सकती है आपकी, इज इट ओके? ये प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। यहां पे कितने प्रोग्राम बनेंगे बता सकते हो? प्रोग्राम कितने बनेंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोग्राम्स आर देयर? कितने प्रोग्राम बनेंगे बेटा? सर नाइन। नाइन प्रोग्राम्स आर देयर, यस नाइन। वैसे तो सिंगल प्रोग्राम है, सिंगल प्रोग्राम में आपने क्या करना है, इसकी चेंजेस करनी है और कुछ नहीं करना। अभी हम करके देखते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एक प्रोग्राम आपको बना के दिखा देता हूं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए बताओ? सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हेडर फाइल। सबसे पहले हेडर फाइल आ गई। इंक्लूड के बाद हमने यहां पे मेंशन किया आयो स्ट्रीम, इज इट ओके? उसके बाद नेम स्पेस की बात करेंगे, नेम स्पेस स्टैंडर्ड। फिर हमने क्लास बना ली, मैंने क्लास यहां पे ले ली ए, उसके बाद यहां पे मैंने एक मेंबर ले लिया प्राइवेट के इनसाइड, प्राइवेट इंट एक्स, ये हो गई बेस क्लास। यहां पे आप मेंशन कर सकते हो वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट, इज इट ओके? पता चल गया बेटा? यस सर। एंड ऑफ बेस क्लास, ये बेस क्लास का एंड हो गया, ये हमने एक क्लास बना ली, इज इट ओके? हमारा बेस कैरेक्टरिस्टिक का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने बनानी है चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के लिए हम क्या करेंगे बेटा बताओ? यहां पे मैंने लिखा क्लास, उसके बाद बी, उसके बाद प्राइवेट ए। इसका क्या मीनिंग है? प्राइवेट इनहेरिटेंस, इज इट ओके? यस सर। पता चल रहा है बेटा या नहीं मुझे ये बता दो। कंटेंट क्लियर है? यस सर। स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, एक बेस क्लास बना ली, बेस क्लास के इनसाइड मैंने प्राइवेट के इनसाइड एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया और वहां पे मेंशन कर दिया वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज प्राइवेट। उसके बाद मैंने एक क्लास बी बनाई, क्लास बी इज चाइल्ड ऑफ, और यहाँ पे आप पब्लिक इनहेरिटेंस एंड यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप बी इज चाइल्ड क्लास, यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, इज इट ओके? हमारी ड्राइव्ड क्लास है बट जो इनहेरिटेंस हमने यूज की वो है प्राइवेट, और प्राइवेट इनहेरिटेंस है, प्राइवेट ही वेरिएबल। और यहां पे मैंने क्या किया, पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंट वाई, और यहां पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, और कंस्ट्रक्टर के इनसाइड मैंने एक्स को असाइन कर दिया 20 और वाई को असाइन कर दिया 70, इज इट ओके? यस सर। मैंने कुछ भी वैल्यू असाइन कर दिया, आप कोई भी प्रोग्राम बना सकते हो, मैंने एक सिंपल कंटेंट ले लिया, आप कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया और यहां पे मैंने मेंशन कर दिया कमेंट सेक्शन में। ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि साइड बाय साइड आप कमेंट लिखते रहो, इज इट ओके?
जैसे मैंने इंट वाई यूज किया तो ये क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज पब्लिक पब्लिक इनसाइड प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्राइवेट इनहेरिटेड ड्राइव्ड क्लास, इज इट ओके? चल गया बेटा, वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज पब्लिक इनसाइड प्राइवेट इनहेरिटेड ड्राइव्ड क्लास। और यहां पे हम क्या बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर ऑफ ड्राइव्ड क्लास, ये ड्राइव्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब यहां पे मैंने क्या किया, जो वेरिएबल था, वेरिएबल ऑफ पेरेंट क्लास एंड, बताओ बेटा, वेरिएबल ऑफ बेस क्लास चाइल्ड क्लास और ड्राइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास असाइंड सम वैल्यू, मैंने कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर दी इसको, इज इट ओके? अब इसके बाद क्या किया, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू मैंने यहां पे एक मेथड बना लिया void show, और इस मेथड में मैंने किया क्या किया, x एंड y की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया, सी आउट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, यहां पे मैंने x मेंशन कर दिया एंड लाइन, और यहां पे सी आउट में वैल्यू ऑफ y, और यहां पे एंड लाइन मैंने मेंशन कर दिया, इज इट ओके? यहां तक बेटा कोई डाउट, कोई डाउट बेटा यहां पे क्लियर हो गया या नहीं? Yes, और यहां पे मैंने मेंशन कर दिया एंड ऑफ ड्राइव्ड क्लास, एग्जामिनेशन में लिख सकते हो इसको, एग्जामिनेशन में डिटेल में इसको लिख सकते हो? यस सर, आई थिंक इट्स वेरी इजी टू राइट द कंटेंट, बहुत आसान है, आप डिटेल्ड कंटेंट इसको लिख दो कि यहां पे कौन सा कंटेंट है, यहां पे कौन सा कंटेंट है, विद कमेंट एंड इन राइटिंग एंड आल्सो इन प्रोग्राम, प्रोग्राम भी लिख सकते हो आप, थ्योरेटिकल कंटेंट भी यहां पे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। अब मैंने क्या किया, यहां पे मेन फंक्शन बनाना है, मेन फंक्शन के लिए क्या करूंगा, इंट मेन सर, इंट मेन, मेन फंक्शन बना लिया, उसके बाद यहां पे जो ड्राइव्ड क्लास है वो, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट बना लिया, इज इट ओके? अब ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड को मैंने कॉल कर लिया, मेथड कौन सा था, शो, इसको कॉल कर लिया, और लास्ट में हम क्या मेंशन करते हैं, रिटर्न जीरो, इज इट ओके? यस सर। अब इसको करेंगे एग्जीक्यूट, पहले सेव कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जीक्यूशन, ये देखो यहां पे एक एरर आ गई, ये एरर बेसिकली क्या एक्सप्लेन कर रही है कि आप प्राइवेट कंटेंट को असेस नहीं कर सकते, इज इट ओके? जैसे ही मैंने इसको पब्लिक बनाया, सपोज मैं इसको पब्लिक बना रहा हूं, यहां पे मैंने पब्लिक कर दिया, इज इट ओके? और यहां पे कमेंट मैंने चेंज कर दिया, यहां पे कर दिया पब्लिक, अब जो इनहेरिटेंस है वो तो प्राइवेट है, बट जो मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको मैंने पब्लिक कर दिया, अब इसको करते हैं एग्जीक्यूट,
ये देखो एग्जीक्यूट हो गया या नहीं? यस सर। वैल्यू ऑफ एक्स एंड वैल्यू ऑफ वाई। अब मेरा एक क्वेश्चन है बेटा छोटा सा। अब मैंने यहां पे प्राइवेट लिख दिया फिर से, इज इट ओके? अब जो मैं कर रहा हूं यहां पे वही आपने करके देखना है, इसको चेंज करके देखना है। वेरिएबल डिक्लेयर्ड एज, यहां पे मैंने कर दिया प्राइवेट, इज इट ओके? यस सर। अब मैंने इस वेरिएबल को डिस्प्ले पे लेके आना है, यहां पे तो डिस्प्ले पे नहीं आ रहा। अब अगर मैंने वेरिएबल को डिस्प्ले पे लेके आना है तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, जो मेरी बेस क्लास है उसमें मैंने एक कंस्ट्रक्टर बना लिया, इज इट ओके? और यहां पे वैल्यू असाइन कर दी, एक्स इज इक्वल टू जो मेरी वैल्यू थी 20, और यहां पे मैंने डिस्प्ले करवा दी वैल्यू, वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और यहां पे मैंने एक्स कर दिया, यहां पे कर दिया एंड वाई, यहां से मैंने वैल्यू को कर दिया डिलीट, जो एक्स की वैल्यू थी यहां से भी डिलीट कर दिया, जो कंटेंट यहां पे था। अब मैंने इसको किया सेव, उसके बाद मैंने किया एग्जीक्यूट, उसके बाद फिर यहां पे एरर आ गई। बता सकते हो अब एरर क्यों आई है, अब इसका रीजन क्या है, बता सकते हो? ये देखो यहां पे एरर आ गई, कंस्ट्रक्टर मतलब प्राइवेट है इसलिए। ओके, अब मैंने एक मेथड बना लिया, सपोज यहां पे मैं एक मेथड बना रहा हूं, और एक काम करते हैं, यहां पे मैंने लिया पब्लिक, पब्लिक के इनसाइड मैंने इसको बना दिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ये ट्राई आपने करके देखना है सभी कंटेंट, इसीलिए मैं ट्राई कर रहा हूं। अब कंपाइल किया, ये देखो एग्जीक्यूट हो गया, वैल्यू एग्जीक्यूट हुई या नहीं, आउटपुट बेटा आ गई या नहीं? आ गई सर। इसका इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैंने जो बेस क्लास बनाई है, बेस क्लास में वेरिएबल को प्राइवेट डिक्लेयर करने के बाद अगर मैं इसी क्लास में पब्लिक के इनसाइड कोई भी कंटेंट यूज कर रहा हूं तो मैं उसी बेस क्लास के प्राइवेट वेरिएबल को असेस कर सकता हूं। मीन्स किसी और क्लास में हम प्राइवेट वेरिएबल को असेस नहीं कर सकते, बट सेम क्लास में मैं प्राइवेट वेरिएबल को असेस कर सकता हूं, बट कंस्ट्रक्टर शुड बी इन पब्लिक। जो कंस्ट्रक्टर है वो पब्लिक कैटेगरी में होना चाहिए, इज इट ओके? पता चल गया बेटा? यस सर। अब देखो मैं डिफरेंट, आपने क्या करना है, यहां पे आप पब्लिक लेके देखो, यहां पे आप प्रोटेक्टेड ट्राई करके देखो, आप कुछ भी यहां पे चेंजेस करके देखनी है। यहीं पे एक सिंगल प्रोग्राम में आप डिफरेंट वे से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना, यहां पे भी आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, यहां पे आप प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो, यहां पे प्रोटेक्टेड यूज कर सकते हो। ऑल द कंटेंट्स मे बी प्रोटेक्टेड, ऑल द कंटेंट्स मे बी प्राइवेट, पब्लिक, कुछ भी हो सकता है। आपने एक टेबल बनाना है, टेबल बना के वहां पे मेंशन करना है कि कंटेंट क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है, क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, इज इट ओके? यस सर। आपके पास डिफरेंट क्वेश्चंस बन गए बेसिकली। ये देखो ये एक्चुअली टेबल है, इस टेबल के इनसाइड अगर ध्यान से देखें इस टेबल में से ही सब कुछ निकलेगा। अगर मैं प्राइवेट इनहेरिटेंस की बात करूं, पब्लिक की बात करूं या प्रोटेक्टेड की बात करूं, यहीं से नियर अबाउट 20 और 30 क्वेश्चंस प्रोड्यूस होंगे। ऐसा नहीं है कि ओनली 9 प्रोग्राम्स आर देयर, मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी अराइज, इज इट ओके? अब मैं क्लास क्लोज करने लगा हूं, मे बी आपका वहां पे योगा की क्लास हो इसीलिए मैं ओवर करने लगा हूं। एक अटेंडेंस शेयर कर रहा हूं, अटेंडेंस लगा देना बेटा।
Is it okay? Yes, sir. Okay, done. Yes, sir. Yes. सर चाहे हमारा वेरिएबल वो प्राइवेट हो पर वो कंस्ट्रक्शन पब्लिक तो ना चाहिए तभी वो शो करेगा वेरिएबल हमारा प्राइवेट हो। आप बेटा ट्राई करके देखना उसके बाद मेरे साथ डिस्कस करना कोई इशू नहीं है। ओके सर आप कोई भी वेरिएबल ले लो किसी भी कैटेगरी का वेरिएबल यूज करो किसी भी कैटेगरी की इनहेरिटेंस यूज करो। आपने एक टेबल डिजाइन करना है। एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रोग्रामिंग की बात है ना गुरमेहर प्रोग्रामिंग अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीखोगे। yes, अगर प्रोग्रामिंग हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना तो हम कभी भी सीख नहीं पाएंगे। इट्स 101% गारंटी। आपने क्या करना है कि जो टीचर ने करवाया है उसको मोल्ड करके देखो उसको चेंज करके देखो उसके बाद टीचर को पूछो कि सर मैंने ये किया इसकी आउटपुट ये आ रही है। yes. ये आउटपुट क्यों आ रही है ऐसा आपने क्वेश्चन पूछना है। इज इट ओके? Yes, sir. हाँ आपने प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम मोर देन 100%। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे। ऐसा नहीं है बेसिकली हम क्या करते हैं जो स्टूडेंट का टास्क क्या रहता है कि सर ने ये प्रोग्राम बनाया और ये प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट करके देख लिया उसके बाद गेम इज ओवर। ऐसा काम नहीं करना। Is it okay? Yes, sir. आपने अपनी तरफ से प्रैक्टिस करनी है उसके बाद सही चलेगा काम। अटेंडेंस लिंक देखो बेटा मिल गया? Yes, sir, आ गया।